हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेशनस कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने और मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल जो कि गर्म हो रहा है। और आज मैं सबसे पहले फ्राई करने वाली हूँ चिप्स, और आज मैं बहुत ही मज़ेदार से चिप्स फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं आलू की चिप्स फ्राई कर रही हूँ जो कि मार्केट से आए हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। तो मैंने सोचा इन्हें मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद इफ्तार की तैयारी करूँगी। और आज मैं अपने व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी, वो भी बिल्कुल सिंपल और इजी वे में। लेकिन उससे पहले मैं इफ्तार की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन इसी बीच मैं मैरिनेट करके रख दूँगी ताकि वो थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए और उसके बाद हम करेंगे फ्राई। तो फिलहाल तो मैं चिप्स को फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ, अभी नहीं, अभी मेरा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद डालूंगी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ आलू के चिप्स फ्राई करने और ये एक चिप्स हैदर डाल कर गया है कढ़ाई में, जिसे मैं निकाल लेती हूँ। हैदर आशम ऐसी हरकतें बहुत करते हैं मेरे साथ। फिलहाल मैं बाकी चिप्स को डाल के फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे आलू के चिप्स तैयार हो चुके हैं और हैदर ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, यहाँ पर भी मेरा ट्राईपॉड होल्ड कर रखा है। ये बैक कैमरे के लोग हैं जो बस पीछे ही रहते हैं, सामने आने की दम नहीं रखते। फिलहाल बन गए, ये रखते हैं और यहाँ पर मैं तैयार करने जा रही हूँ चिकन मैरिनेशन के लिए उसका बढ़िया सा एक मसाला तैयार करने वाली हूँ जो आप सभी के साथ बिल्कुल शेयर होगा, क्योंकि मैं पहले चिकन को फ्राई कर दूंगी और उसके बाद इफ्तार की तैयारी करूँगी और सेकेंड फ्राई बाद में ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं उसके मसाले की तैयारी कर रही हूँ और आज हैदर पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरी वीडियो ख़राब हो जाए। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लगभग 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मैदा, और मैं इसी में डाल लेती हूँ लगभग 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसी के साथ ही मैं डाल लेती हूँ लगभग 1 टेबलस्पून बेसन यूज़ कर लिया है मैंने, जो मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ वन मोर टेबलस्पून मैदा। और मेरे चिप्स में पड़ गया है मैदा थोड़ा सा, फिर मैंने क्लीन कर लेती हूँ। सबको मिक्स करते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक जी, पापा बना दिए। तो अब इसमें डाल लेती हूँ नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसी के साथ मैं डाल लेती हूँ रेड चिली पाउडर, नमक और चिली आपको अपने एडजस्ट करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये गया 1 टीस्पून नॉन वेज मसाला, हाफ टी स्पून ऑफ चाट मसाला, लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर। इसमें डाल लेती हूँ मैं लाइम जूस, लगभग 1 लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, पेस्ट को हम मिक्स कर लेते हैं थोड़े से पानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने उस मसाले में डाल दिया है चिकन, लगभग 1 केजी चिकन यूज़ किया है। सबसे पहले तो सारे मसाले के साथ अच्छे से मैं इसे कोट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आलू की पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं इसे डाल देती हूँ बास्केट में ताकि थोड़ा सा ऑयल एक्सेस निकल जाए। तो अब मैं दूसरी तरफ गैस पर भी कढ़ाई रख दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे चिकन को फ्राई करना है, बट फर्स्ट फ्राई तो एटलीस्ट ले लूँ। तो चलिए मैं वो भी कर लेती हूँ, और इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही रखा है, फिर रमजानों में ये होता है खासकर मेरे साथ ऐसे होता है। खटाई, सॉरी ये चाट मसाला, और क्या देना हमें नीचे में।
तो यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है क्योंकि मुझे अभी चिकन को फ्राई करना है, उसके लिए रख दी। और इधर मेरी बन रही है आलू की पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में अब डाल देती हूँ तेल, और यहाँ पर फ्राई हो रही हैं मिर्च वाली पकौड़ियाँ। ये गया तेल, रमजानों में इतना तेल यूज होता है ना भाई, क्या कहना। क्या आप सभी को भी अपनी अम्मियों से इस तरह से डांट पड़ती है जिस तरह से मुझे पड़ती है? खैर, मेरी अम्मी कभी 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 डांट भी देती हैं। चलो हटाओ, रमजानों में तो ऐसे ही चलता है सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल यूज़ हो जाता है, और खासकर मुझसे तो मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाता है। और यहाँ पर मेरी फ्राई हो रही है मेरी सारी पकौड़ियाँ, जो अलहमदिल्ला फ्राई हो गई हैं। ओहो, आज मुझे लग रहा है जैसे मेरी एनर्जी प्लस हो गई है। वैसे इन दिनों रमजानों में ऐसा चल रहा था ना कि आई वॉज फीलिंग डाउन, बट नाउ दिस टाइम आई एम एनर्जेटिक, फीलिंग एनर्जेटिक। मैं डाल रही हूँ पालकी फ्राई होने के लिए। मेरे पापा जब कोई कुछ लेकर आते हैं ना, मतलब कोई ऐसी वेजीज हो जाए या कुछ ऐसा आइटम हो जाए जो वो लेकर आए और बाद में नहीं बने, तो वो बार बार अम्मी से क्वेश्चन पूछते हैं। हम पालक लाए थे, अभी तक नहीं बनाया। हम चिप्स लाए थे, अभी तक नहीं खाए हुए हैं। पापा यही करते रहते हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि पापा जो आइटम लाए मैं ज़रूर बना लूँ और वक्त रहते बना लूँ, वरना अब पापा की बातें मेरे मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी सुनती हैं कि तुमसे कुछ नहीं होता, सारा काम मुझसे करवाती हैं। खैर, मेरी अम्मी भी मेरे साथ लगी रहती हैं। तो यहाँ पर पालकी भी फ्राई हो गई और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है माशाल्लाह से। चलिए इन्हें भी निकाल लेती हूँ। ये स्टिक हो जाते हैं जब इन्हें एक साथ डाल देते हैं ना, स्टिक हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इन्हें सेपरेट कर लेते हैं जब प्लेटिंग होती है। ये थोड़ा सा और हीट हो जाए 5 मिनट तक। अब मैं इधर डाल देती हूँ पालक की पकौड़ियाँ, क्योंकि जैसे कि भी आपको बताया कि मेरे पापा पालक लेकर आए थे, और वो कल भी बोला था उन्होंने पालक की पकौड़ियों का, तो कल तो थोड़ा देर हो गई थी मुझे बना नहीं पाएंगी, तो आज बना रही हूँ। और खैर, रमजान जा रहा है ना, बहुत ही मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है बिल्कुल, फिर कोई काम नहीं बचता, लगता है ये थोड़ा सा पर्पस हो जाता है, लाइक उठना है, इतने बजे प्रिपरेशन करना है, नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है। लेकिन जब रमजान जाते हैं ना, तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। एक तो रमज़ानों की जो रौनक होती है वो चली जाती है, ऊपर से सारे लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, मतलब हमारे एरिया बिल्कुल खाली हो जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर वो लोग रहते हैं मतलब जो कहीं और पर अपने घरों पर, जिनके और कहीं घर हैं वो वहाँ पर ईद करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अकेले से हो जाते हैं, तो बहुत सन्नाटा सा लगता है यहाँ पर। चलिए, मैंने यहाँ पर पकौड़ियाँ डाल दी, अब जा रही हूँ यहाँ पर चिकन जो भी मैंने मैरिनेट किया था उसे डाल देती हूँ। मीडियम कर दिया है मैंने फ्लेम को, मतलब मेरा ख्याल है जब आपको कोई चीज़ कोट करी हुई आप डालें ना, उस वक्त तो हाई रखें फ्लेम को, क्योंकि अगर कोटिंग होती है वो रिमूव नहीं होती, वो एकदम से उसमें ये होता है फ्राई होती है, उसके बाद आप उसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें ताकि वो अच्छे से क्रिस्पर और टेंडराइज हो जाए। अभी तो स्पेस है, मैं एक दो पीसेस और डाल देती हूँ। और इस वक्त ना मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इतना, बस बबल्स दिख रहे हैं, बस ये डाल दिया है। और अभी मैं अब देखती हूँ इधर की पकौड़ियों को देख लेती हूँ एक बार चला देती। इसे मैं बीच बीच में स्टिर करती रह रही हूँ ताकि मतलब हर पीस अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे से फ्राई भी हो जाए और टेंडराइज भी हो जाए। और इधर मेरी पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं पालक वाली, बस ये लास्ट है। कर रही हैं फ्रूट्स की कटिंग और मैं इधर कर रही हूँ इफ्तार की तैयारी। यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ वगैरह फ्राई कर ली है। सबसे पहले तो मैं पकौड़ियों का जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टफ है ना इसमें, वो निकाल रही हूँ और ऐड करना है, और जो बाकी रिमेनिंग चिकन है उसे इसी के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि फिर दोनों सेकंड फ्राई हो जाएंगे दोनों जगह पर इस तरह से। और ये अब मैं इन पीसेस को भी डाल देती हूँ फटाफट से।
रमजानों में इस तरह से ही काम करने पड़ते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम सिर्फ खाने बनाने का तो नहीं होता ना, इबादत का भी होता है, तो काम ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। बस उस काम टाइम में काम कैसे चला जाए तो आप मुझसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने काम ऐसे ही करती हूँ। अब दो जगह मैंने चिकन फ्राई करने रख दिया है ताकि ये जल्दी हो जाएगा, फिर बाद में मैं चने तो फ्राई करना भूल ही गई थी। मैंने आप सभी को बता दिया कि मैं अपने काम भूल जाती हूँ। इसमें तो हो गया है, फर्स्ट फ्राई से मैं निकाल लेती हूँ बहुत ही हल्के हाथ से। अब इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद ही सेकंड फ्राई लगाऊंगी ना। आप देख सकते हैं कोटिंग कितनी जबरदस्त है, वो जो अगर हम बहुत ज्यादा थिक वाली कोटिंग करते हैं ना वो निकल जाती है, और आप देख सकते हैं मेरी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं निकली है, प्लस ऑयल में भी वो कोटिंग नहीं है। तो मतलब मेरा ख्याल है अगर आप जब भी कोटिंग बनाना फ्राई की तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिकी लेयर ना रखें, जिससे कि वो रिमूव हो जाए फ्राई करते वक्त, और उसके बाद चिकन में वो मज़ा नहीं आएगा, मसालों का भी निकल जाएगा थिकनेस जो उसकी लेयर होगी उसके साथ ही। फिर मैं अभी बाकी ये वाले चिकन को इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें है स्पेस और ऑयल भी ज़्यादा अच्छे से गर्म है, और मुझे ना चने भी फ्राई करने हैं जो कि मैं भूल चुकी हूँ। तो ये गया हमारा चिकन, अब इसे मैं स्टिर करती रहूंगी ताकि अच्छे तरीके से हर जगह से ये भी फ्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन फ्राई हो चुका है जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसके साथ सर्व किए मैंने हरी चटनी, ये घर की चटनी है पुदीने हरा धनिया की, और इसमें थोड़ा सा मैंने कड़ी यूज़ किया है, दही जो बहुत ही लाजवाब लगती है इसके साथ। और मेरे बाकी काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, दस्तरखान भी लग चुका है, अब मैं भी जा रही हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा दस्तरखान लग चुका था, सारी तैयारियाँ हो गई थी, चने भी फ्राई हो गए थे जो मैं शूट नहीं कर पाई, आप सभी को दिखा नहीं पाई, तो अब वक्त था दुआ मांगने का, फिर उसके बाद हमने इफ्तार किया। यहाँ पर इफ्तार के बाद किचन की क्लीनिंग चल रही है, और उसके साथ ही साथ रात के डिनर की तैयारी, क्योंकि रात के खाने में बन रही है पनीर की सब्जी, जिसके लिए प्याज थोड़ी सी फ्राई करते हैं, और किचन भी थोड़ी सी मैस है जो अभी फाइनल करनी है क्लीनिंग में, लेकिन सबसे पहले तो ये डिनर की तैयारी करते हैं, फिर उसी के साथ ये भी काम हो जाएगा। तो प्याज और टमाटर तो टेंडराइज हो गया, उसमें मैं डालती हूँ शिमला मिर्च। वैसे ये वाली रेसिपी ना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनती है, और मज़ा तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। जब भी मुझे ना कोई सा फटाफट से खाना बनाना होता है मैं ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये इजी से बन जाती है। इसे जो शिमला मिर्च होती है ना उसे ज़्यादा टेंडराइज नहीं करते जितना टमाटर प्याज को करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उसी मतलब लगभग 50% ही कुक होती है, वो उसी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पनीर की सब्जी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही ईजी बन जाती है और बहुत ही फटाफट से भी बन जाती है, तो चलिए इसे कवर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, किचन वगैरह भी क्लीन हो चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ तरावी अदा करने, और आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि आज मेरी भी आखिरी तरावी होगी, तो बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो इंशाल्लाह अगले साल ही पढ़ूंगी, तो पता अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो खैर बुरा लग रहा है कि रमज़ान जा रहे हैं, बस कल लास्ट रोज़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि अभी तरावी पढ़ना है, तरावी के बाद ब्लॉग एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें होती है ना हम मिस करते हैं कि ऑन द टाइम कि हाँ कल इस वक्त मैं तरावी नहीं पढ़ूँगी, तो ये सारी चीज़ें हम मिस करते हैं बाद में रमज़ानों के बाद। खैर एनीवेज इंशाल्लाह फिर से आएंगे, फिर से ये रौनक वापस आ जाएगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।